नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है 3600 से ज्यादा, 3600 से ज्यादा वैकेंसी आई है फोर्थ क्लास कैंडिडेट के लिए और इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भारत के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ राजस्थान के निवासियों को दिया जाएगा। तो आज हम आपको इन वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है राजस्थान हाई कोर्ट ने और ये आई है 6 नवंबर 2019 को। इसमें फोर्थ क्लास कैंडिडेट को भर्ती किया जा रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है और इसमें स्टार्टिंग में आपको 2 साल तक 12,400 रुपए महीने मिलेंगे। उसके बाद आपको 1800 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। तो 12,400 रुपए महीने आपको मिलेंगे 2 साल तक, क्योंकि राजस्थान सरकार का नियम है कि 2 साल तक कैंडिडेट को प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है, उसके बाद ही उनको रेगुलर पे में शामिल किया जाता है। तो 2 साल तक आपको फिक्स पे मिलने वाली है और इसके लिए जिन कैंडिडेट ने पहले 2017 में अप्लाई कर दिया था उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन उनकी फीस माफ हो जाएगी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की और रिजर्वेशन की, तो वैकेंसी 3600 से ज्यादा है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड है। आपको 5 डिस्ट्रिक्ट की चॉइस देनी होगी, उसी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपकी जो 5 चॉइस है उसमें आपको वैकेंसी के अगेंस्ट सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, तो राजस्थान हाईकोर्ट अगर चाहे तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग दे सकता है। तो आपको कम से कम 5 जिलों की प्रेफरेंस देनी होगी कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं। इसमें 2 टाइप की वैकेंसी आई हुई है, पहली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दूसरी आई है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। ये दोनों टाइप की वैकेंसी इसमें आई हुई हैं और इसके जो नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट में दिया भी हुआ है जिसमें रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी दी गई है, तो आप उनको एक बार चेक कर लेना। और इसमें जो मेरिट बनेगी उसमें प्रथम वरीयता आपको जिला न्यायालय की देनी है, दूसरी वरीयता देनी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। या देखो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको किन्हीं 5 जिला न्याय क्षेत्रों को प्राथमिकता के अनुसार चयन करना होगा। तो आपको कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चॉइस देनी होगी, लेकिन अगर आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हो सकता है आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाए। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सेकेंडरी पास हों, तो आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हों, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान हो, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। राजस्थान की संस्कृति से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो दिया गया है हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान, ये तो आपको आता ही होगा, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान जो दिया गया है इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, आपको राजस्थान जीके की तैयारी करनी है और उससे आपका ये पार्ट जो है पेपर का वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल और ये काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2020 को। तो आपकी एज 18 से लेकर 40 साल होनी चाहिए, 1 जनवरी 2020 को ये काउंट की जाएगी। इसमें रिलैक्सेशन राजस्थान के निवासियों को दिया जाएगा 10 साल तक का उन कैंडिडेट को जो SC ST OBC और EBC की फीमेल हैं, वहीं 5 साल का दिया जाएगा SC ST OBC के मेल को, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट और राजस्थान के जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 28 से लेकर 40 साल। बात कर लेते हैं करेक्टर की। तो आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, कम से कम 2 लोगों द्वारा 6 महीने के भीतर का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना होगा। एग्जाम फी की अगर हम बात करें तो सामान्य कैंडिडेट, EWS वाले कैंडिडेट, EBC OBC और अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं यानी अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो फीस जमा कराएंगे 150 रुपए। वहीं राजस्थान की SC ST वाले कैंडिडेट और जो विधवा प्रतिक्त महिला हैं, साथियों दिव्यांग जन PH है, उनके लिए फीस है 100 रुपए। तो जनरल OBC और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए फीस है 150 रुपए, उनको 150 रुपए फीस जमा करानी है। वहीं SC ST और जो विधवा महिला हैं, साथ ही जो PH कैंडिडेट है, उनके लिए फीस है 100 रुपए। और जो कैंडिडेट पहले एग्जाम में फॉर्म भर चुके हैं उनको फीस जमा नहीं करनी है, लेकिन उनको फॉर्म भरना होगा। बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। तो वो कैंडिडेट जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां या पति हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो फीमेल कैंडिडेट जिसका ऐसे आदमी से विवाह हुआ है जिसकी पहले से जीवित पत्नी है वो अप्लाई नहीं कर सकती है। जिसने दहेज लिया है विवाह के समय और ये संज्ञान में आ गया है, मामला कोर्ट में है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा 1 जून 2002 के बाद जिनके 2 से अधिक संतान है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी वो कैंडिडेट जिनके 1 जून 2002 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के जुड़वा बच्चे हुए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कीम की, सिलेबस की और मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसमें पहले एग्जाम होगा, फिर होगा इंटरव्यू। एग्जाम होगा 85 नंबर का, इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। 2 घंटे का आपका पेपर आएगा, 10th लेवल का ये रहने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी और राजस्थानी संस्कृति और बोलियाँ आएंगी। कुल 85 प्रश्न होंगे, 85 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें हिंदी के आएंगे 40, वहीं 25 होंगे इंग्लिश के और 20 होंगे राजस्थान जीके के। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी
और ये पेपर होगा ओएमआर सीट पर। रिटन एग्जाम में कैंडिडेट को वैकेंसी के अगेंस्ट 5 गुना की संख्या में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर होते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। तो आपका 85 नंबर का होगा एग्जाम, 15 नंबर का होगा इंटरव्यू। अगर आप एग्जाम में अच्छा करते हैं तो इंटरव्यू में भले आपके कम नंबर आए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो रिटन एग्जाम में 34 मार्क्स लाने होंगे राजस्थान के SST को और PH को। वही अदर स्टेट कैंडिडेट साथ ही जनरल OBC और राजस्थान के हैं उनको 38 मार्क्स लाने होंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए SST वालों को 40 अंक, वहीं बाकी कैंडिडेट को 45 अंक लाने होंगे तभी उनको पास माना जाएगा। अगर हम बात करें सिलेबस की तो जनरल हिंदी आएगी आपकी 10th लेवल की। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, व्यंजन आएंगे। वहीं जनरल इंग्लिश में टेंस आएंगे, आर्टिकल आएंगे, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, मॉडल्स आएंगे। इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिटिंग एंड ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस और वोकैबुलरी आएगी। राजस्थान की संस्कृति के जो 20 सवाल आएंगे उसमें राजस्थान की लोकोक्तियां, राजस्थान की कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि, साहित्यकार, लोक देवी देवता, राजस्थानी लोकगीत और लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आप 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं। साथ ही आप अगर राजस्थान के निवासी हैं तो किसी भी ई मित्र नागरिक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है वो है www.hcraj.nic.in। आप यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 18 नवंबर से। और जब आप फॉर्म भरें तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, आपको उस कैटेगरी में एग्जाम देना होगा। अगर ये पाया जाता है कि आपने गलत कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो आपका कैंडिडेशन रद्द कर दिया जाएगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो जनरल में अप्लाई करेंगे और किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ स्पष्ट दिया भी गया है कि राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के कैंडिडेट और राजस्थान से भिन्न राज्यों के कैंडिडेट, चाहे वो SST के हों, OBC के हों, किसी के भी हों, वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो आप जनरल में फॉर्म भरेंगे। अब बात कर लेते हैं प्लेस मंथ और डेट ऑफ रिटन टेस्ट की, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराई जाएगी, पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पे होगी और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो तहसील स्तर पर भी इसका आयोजन कराया जा सकता है। एग्जाम सेंटर के रूप में आप 3 जिला मुख्यालयों का चयन करेंगे और उसी में एग्जाम देने जाएंगे, किसी एक में आपका सेंटर आएगा और एग्जाम के संबंध में जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी। एग्जाम के बाद आंसर की जारी होंगी, अगर आपको उस पर कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और एग्जाम के टाइम पर आपको मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र लाने की अनुमति नहीं होगी। और वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग आई हुई हैं तो आप देख लेना अपने हिसाब से, जहां आपको सूटेबल लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अलवर में 162 हैं, 114 हैं, बालूतरा में 12 में 78 हैं, भरतपुर में 146 हैं, 149 हैं, भीलवाड़ा में, बीकानेर में 85 हैं। इस तरीके से वैकेंसी आई हुई हैं, आप अपने हिसाब से 5 डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं जहां आपको अप्लाई करना है। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।